All right. Hi, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. कैसा गया वीकेंड? Good afternoon, sir. Good afternoon. बढ़िया रहा वीकेंड? Yes, sir. Yes, sir. Sir, your homework was there. ठीक है। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से अभी? नो सर, डीपीएस कह रहा हूं बस। डीपीपी सर, ओनली एक्सप्लेनेशन वाज देयर। यस सर, डीपीटी दिया था। ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट नहीं करी ना, वो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे तो फिर अब आपको और क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो लास्ट तीन क्लासेस में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा था, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज पीरियोडिक टेबल एंड हाउ इट स्ट्रक्चर इज, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन व्हाट लोकेशंस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट, अब हम लोग प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। एंड एज अ बैकग्राउंड, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स ऑल द प्रॉपर्टीज associated with atoms, that is Z effective nuclear charge, वो आपके साथ share किया था। ठीक है, now apart from this, आगे अब हमारे सामने periodic properties रहने वाली, like we are going to cover 5 properties एक एक करके। atomic size रहेगा, ionization energy, electron gain enthalpy, हाइड्रेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ एज आई अंडरस्टैंड दैट आप लोगों का इस कमिंग संडे को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का टेस्ट है। नाउ उस टेस्ट के पहले डेफिनेटली आपका चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इट माइट हैपन दैट यू हैव a different test paper as compared to the other batches जिनका periodic properties chapter खत्म हो चुका है। ठीक है, so it is something which is most likely scenario that is going to happen depending upon अपना syllabus। इस week में let me just quickly check हमारे पास कितने lectures हैं इस week के अंदर। Counting today we have sir, lectures sir, Saturday तक रोज है सर, सैटरडे तक है सर, कल है फिर परसों है पांच दिन फिर एंड देन फ्राइडे एंड देन सैटरडे। ठीक है, सो सैटरडे को आई विल प्रेडोमिनेंटली कीप सैटरडे फॉर डाउट डिस्कशन ओनली। ठीक है, सो सैटरडे को वी विल डिस्कस डाउट्स फ्रॉम द होमवर्क दैट आई विल बी गिविंग यू ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आप मान के चलो कि तीन लेक्चर हैं जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। इन द सेंस इट विल बी ऑन एज इन टुडे, टुमारो एंड फ्राइडे। ठीक है, थर्सडे वाला भी मेरे को पता पड़ा है दैट थर्सडे को भी आपका कोई डाउट क्लास है, बट ऑनेस्टली दैट वाज नॉट समथिंग विच आई एम लाइक कंप्लीटली अवेयर अबाउट, that what exactly is that doubt class and what exactly is going to happen in that doubt class. So I'll keep it as a doubt for myself that I don't really know what that doubt class is going to be. Sir, but it is taken by some other sir. Then how can we? So, BCH sir. Exactly. So I also can't understand that wo jo doubt class hai uska objective kya rahega, kaisa rahega. Theek hai. Abhi ke liye, sir, I am, could it be a typing mistake? Right now, keeping Saturday, ठीक है, for our doubt discussions. In case आपके Thursday को doubts वगैरह हो जाते हैं, you are able to clear them out, तो it's okay. Then Saturday को हम लोग थोड़ा सा और chapter आगे पढ़ लेंगे. ठीक है, तो आपके लिए for a sake of clarity, Friday की class तक मैं जितना पढ़ाऊंगा in periodic properties, that is going to be your syllabus for the upcoming Sunday ka test. Is that clear with everyone? Yes, sir. Sir, what about yes, that form? Sir.
यस सर हाँ अच्छा रहा सवाल वो गूगल फॉर्म का आई विल स्पेंड सम टाइम ऑन इट टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास नॉट राइट नाउ लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द टारगेट ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट आई वांटेड टू डिस्कस आफ्टर दैट फिर मैं आपको फॉर्म के बारे में बता दूंगा समझा दूंगा ठीक है इट विल हार्डली टेक 5 minutes और सो इट विल नॉट टेक प्रॉपर टाइम हाँ सर आई हैव वन डाउट सर द इसमें सर while reading NCERT sir sir this we have to read that number 1 sir kelvin sir I'm telling you sir this one sir metals are usually solids at room temperature mercury is an exception gallium and cesium also have very low melting points 303 kelvin and 302 kelvin respectively we have to memorize that 303 and 302 nahi don't need to memorize numbers a lot okay sir बट हाँ ये अब आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दैट गैलियम और सीजियम के लिए दैट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ये आप ध्यान में रखना जरूरी ठीक है अच्छा नाउ लेट्स रिज्यूम आवर डिस्कशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं इसको अभी वेट कर लो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम तो हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा पर रिलाय करेंगे एज कंपेयर्ड टू अ थियोरेटिकल मेजरमेंट ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन Right, so you might come up with these two approaches. When I ask you about size of atom, तो आपके दिमाग में दो तरीके हो सकते हैं size of atom को compute करने का. एक हो सकता है theoretical तरीका. Theoretical तरीका क्या हो गया? This will be based upon the quantum mechanical model of atom, जिसमें what you might come up and say is that ये मेरा nucleus है, nucleus के around like electrons are likely to be found in certain regions, certain orbitals. तो उन orbitals के size के हिसाब से हम लोग comment कर सकते हैं on the size of atom. This is not a correct way. This is not a correct method. Because the entire premise of quantum mechanical model is based upon the idea of probability. ठीक है so in fact, as a example, ठीक है आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर यस सर अच्छा अभी हाइड्रोजन के एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s में लाया करता है 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका यस सर आपने उसके ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया है कुछ ऐसा यस सर यस सर अच्छा यस सर स्फेरिकल शेप है हां डू यू नो कितने डिस्टेंस पर ये ऑर्बिटल की बाउंड्री होती है Sir, we should take the Bohr. 0.529 into R square divided by Z square. ठीक है, तो ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, this is not at the value जो आप लोग बोल रहे हो, ठीक है? For hydrogen atom, this is somewhere around 2.6 या 2.7 angstrom. ठीक है, ये जो बाउंड्री है, ये जो हमने स्फीयर की बाउंड्री बनाई है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज्यादा होगी ठीक है वेयर एज द लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड ठीक है ये आपने वो जो ग्राफ्स देखे होंगे साई स्क्वायर 4πr² वर्सेस r वाले जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया लगता है तो उसमें जो मैक्सिमा है जो लोकेशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम ठीक है सो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की मैक्सिमम चांस इज समवेयर हेयर इनसाइड ठीक है 0.529 एंगस्ट्रॉम पर राइट बट ये जो बाउंड्री है वो ड्रॉ करी जाती है इस तरीके से ताकि वी कवर 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ठीक है
Now, this is something which is how the quantum mechanical model works. So, yahan par, as you can see, that location where the probability is maximum and the boundary surface, jiske andar electron milne ki probability, cumulative probability, 90% se zyada hai, they don't really have a very close relationship. So, hum log, ye jo theoretical approach hai of calculating size of atom, isko nahi use karenge. Rather, what we will be doing is, in order to compute the size of atom, we will be relying on experimental techniques. Now, these experimental techniques are going to be a little bit of approximations. They are going to be not something which we can accurately say, because humko electron dikhta nahi hai. We can never like experimentally tell that, you know, this is where the size of the atom should strictly end. हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते. तो हम लोग इसमें experimental observations जो आएंगी size of atom की, उन्हीं को account में लेंगे और उन्हीं के हिसाब से हम लोग फिर different elements के size को compare करेंगे. किसी का size कम होगा, किसी का size ज़्यादा होगा. तो all of that is going to be based upon the experimental techniques of measuring size. ठीक है. अब वो experimental techniques क्या होंगी, कैसे होंगी, वो मैं आपके साथ में एक एक करके डिस्कस करता हूँ. ठीक है. सो यहाँ पर अपन पहला पैराग्राफ रीड करेंगे. ये पैराग्राफ रीड करना. हाउ इट गोज इज दैट वाइल मेजरिंग द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स, वी यूज सर्टन अप्रोक्सीमेटेड वेज एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. द एक्चुअल साइज ऑफ एन एटम इज नॉट एक्यूरेटली डिटरमाइंड. ठीक है. बिकॉज as simple as Heisenberg's uncertainty principle prohibits it. Now, given this background, ki hum log experimental techniques use kar rahe hain to measure the size of atoms, aap notice karoge that depending upon the type of element and the method that is used to calculate the size, we have the following types of radius or atomic radii that are defined. Sabse pehla rahega covalent radius. Now, what does it mean? So, इसमें context समझना पहले, that covalent radius is primarily used for non-metals. ठीक है. It also can be used for metals, but primarily used for non-metals when they form covalent compounds. Now, how it helps us or how it is calculated, यहाँ पे notice करना. तो let's say अगर मुझे hydrogen atom, ठीक है, एग्जाम्पल नोटिस करना, मुझे अगर हाइड्रोजन एटम का साइज निकालना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल लुक आउट फॉर द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. ये क्या हो गया आपके लिए, H2 क्या हो गया, दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, राइट, एन अनकंबाइंड फॉर्म विद अदर स्पीशीज. हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर ये H2 मॉलिक्यूल बनाता है. तो अब हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे. ठीक है. लेट्स से विजुलाइज कराने की मैं आपको कोशिश करता हूं दैट ये आपके पास में एक वेसल है और इस वेसल के अंदर यू हैव H2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अंडर सर्टन कंडीशंस आपने इस वेसल के अंदर H2 मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं. ठीक है. अब there are certain experimental techniques jinse we can locate the position of nucleus. theek hai. hum log electrons ko to nahi dekh pate. theek hai. electrons are not something which we can locate accurately, but jo nucleus hai unki positions ko hum log detect kar sakte hain. to ab jaise ye mera vessel hai, iske andar when I am analyzing these atoms or these molecules, so usme what I find is that, you know, there are these aise nuclei present at certain distance from each other. theek hai. to ab main isme kya karunga, theek hai, what I will end up doing is main inme se like ek statistically large sample lunga. theek hai. and notice karunga
कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियाई और टू क्लोजली स्पेस न्यूक्लियाई, उस डिस्टेंस को मैं कैलकुलेट करूंगा, इस डिस्टेंस को मैं एक्सपेरिमेंटली मेजर करूंगा, एंड देन आई विल रिपोर्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिवाइड दैट डिस्टेंस बाय टू, आई विल रिपोर्ट दैट एज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. नाउ एज यू नो, आपको जैसे पता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो एटम्स के बीच में, तो लाइक एटम्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, ओवरलैप करते हैं, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि सर इज दिस एन अंडर एस्टिमेशन, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है ना यहाँ पर, एक्चुअल साइज में भी शायद इससे थोड़ा बड़ा हो. तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम सही है, दैट इट इज अ बिट ऑफ एन अंडर एस्टिमेशन, ठीक है, बट दैट इज द वे इन विच वी हैव decided to measure the covalent radius. That is the way in which this radius is to be calculated and tabulated in the chemistry literature. Now, having said that, अब आप notice करोगे कि ये जो values होंगी different different elements की, ठीक है, radius of hydrogen क्या है, रेडियस ऑफ कार्बन क्या है, रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का आप ये डेटा देखना चाहोगे, तो ध्यान से सुनना. नाउ इन वेरियस टेक्स्ट बुक्स, इन वेरियस सोर्सेज, द डेटा माइट डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब से एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो, ठीक है, एंड फिर आपने साथ में से जेडी ली भी रेफर किया और आपने से वीके जायसवाल भी रेफर किया, ठीक है, वीके जायसवाल में तो खैर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, थ्योरी है ही नहीं, बट अगर कोई और आपने बुक रेफर किया, सम गुड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है, नॉट जनरली गूगल पे कुछ भी देख लिया, सम डिसेंट टेक्स्ट बुक यू रेफर्ड, तो ऐसा हो सकता है कि देयर माइट बी स्लाइट वेरिएशन इन द डेटा, ठीक है, हो सकता है कि एनसीईआरटी में लिखा हो ये 1 है, 1 एंगस्ट्रॉम है, जेडीएल में लिखा हो कि ये 1.02 एंगस्ट्रॉम है और किसी और बुक में लिखा हो कि ये 0.98 एंगस्ट्रॉम है. स्लाइट वेरिएशन इन डेटा भी आपको मिलेगा. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपसे कोई डेटा नहीं पूछने वाला है कि मुझे बताओ कि किस एटम का कितना साइज होता है, वैल्यू बताओ, ऐसा आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे जो समझा जाएगा इज दैट ट्रेंड कैसा है, किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है, ये रिलेटिव ट्रेंड बिटवीन एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के आयंस, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट द एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर. हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो. सर अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम रहता है इसका वैल्यू? नहीं, मैंने रैंडम वैल्यू लिया. सर तो अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा फिर? मुझे याद नहीं है सर. ओके सर. एनीबॉडी सीन एटम थ्रू माइक्रोस्कोप? दे हैव ऑफ कोर्स ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि एटम क्या दिखता है, कैसा दिखता है, बट न्यूक्लियस की पोजीशन फिर भी एक्यूरेटली डिटरमाइन होती है. इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आर बेस्ड अपॉन a lot of probability and hence a bit inaccurate. Okay sir. And sir, means when two atoms have a bond, so sir, like while bonding they do not repel, means the outer electron. देखो, जब दो atoms bond form करते हैं, उनके बीच में attraction repulsion दोनों exist करता है. However, अभी के लिए मैं आपको bonding नहीं समझा रहा हूँ. We are not studying the chapter of bonding right now. अभी के लिए यू कैन बी कंफर्टेबल विद दिस अंडरस्टैंडिंग दैट यस देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉन्डिंग दैट हैपेंस बिटवीन एटम्स. सर ओके सर. हां सर, द ओवरलैप इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स सर?
like O2 that overlap is same for like hydrogen atoms, sir? No. H2, sir? No. Oh, okay, sir. Then that is an exception, right? We can't compare, actually. यहाँ पे ये पढ़ा? Yes, sir. Got it. Approximate. Okay, so we are using certain approximated ways while doing these measurements. And that is what why I said that when you look at standard data also, okay, जो भी ऐसे respectable sources होते हैं, जिनसे हम लोग generally data refer करते हैं for usage, उनमें भी slight variation रहता है, which is absolutely okay, which is absolutely fine, because that uncertainty or that approximation is the part of measurements, the way in which these techniques are. Okay. And okay, that does sir. Not bother us because we don't really seek answers like ki iska exact size kitna hai, iska exact size kitna hai. Nahin, aisa question aapse puche jayenge na kare jayenge. Aapko trends ke baare mein batana hoga. Kiska size bada hai, kiska size kam hai. That is what you need to focus upon. Sir. Sir, but in the trends, actually, if the overlap is not same, then it will be an approximate trend, no, sir? No. So it is something which is going to be a way in which measurement is going to be done for all the atoms. Okay, sir. Okay. Now, coming back, ये तो एक type का अभी रुक जाओ. ये एक type का रेडियस है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, दिस इज प्राइमरीली यूज्ड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, बिकॉज नॉन मेटल्स जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, राइट. समटाइम्स मेटल्स के लिए भी यूज हो जाता है, बट दोज आर सर्टन केसेस और कंपाउंड्स. ठीक है, थोड़े फैंसी से नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटल्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, सो दीज आर समथिंग व्हिच यू विल रेफर लेटर, आपके सामने आएगा, नॉट इन दिस चैप्टर, नॉट राइट नाउ, बट जब बाद में आप मान के चलो ऑलमोस्ट एक साल बाद में इन सब चीजों का डिस्कशन होगा. अच्छा, देन डिपेंडिंग अपॉन एज आई सेड elements, there is another radius that is used, that is called as metallic radius. Now generally ye metals ke liye use hota, and what happens is that metals ka crystal structure study kiya jata hai. Crystal structure samajh mein aata hai aap logon ko? Aap logon ne yes sir like junior class mein padha hoga, yes solids yes, sir. Have, crystalline as well as amorphous structures. Yes, sir. Sir, yes, sir. We have amorphous. Diamond jaisa. हाँ, so यहाँ पर कैसा होता है, जो metals होते हैं. Sir, sugar जैसे ना. जैसे for example iron एक metal हो गया, right? तो iron का जो metal होता है, उसमें iron के atoms are in a regular pattern of arrangement. ठीक है, there is some pattern which is followed throughout that solid. Now, in this case. When that structure is studied, तो उसमें वो क्या करते हैं, अगेन जो nearest neighbors होते हैं, ठीक है, जो दो atoms nearest होंगे एक दूसरे के, उनके nucleus के बीच का distance compute करते हैं, and then again divided by two to report the metallic radius of the atom or the element. तो जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा गंदा सा drawing बना हुआ है, जिसमें there is some arrangement of atoms. ठीक है, थोड़ा अच्छा ड्राइंग होता तो और बेटर रहता, बट इसमें एज आई सेड जो क्लोजेस्ट एटम्स होते हैं, नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, राइट, एंड देन दैट डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टू एंड दैट रेडियस इज रिपोर्टेड एज मेटालिक रेडियस. ठीक है, अब इसमें यहां पर मैंने एक और लाइन लिखी हुई है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल्स आर स्टडीड in their closed packed form. ठीक है, now ये जो closed packed form होता है, ये भी एक term है जो कि आपको आगे ही समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि कैसा होता है, जैसे for example this can be one arrangement of atoms. ठीक है, ये एक arrangement हो गया, there can be another arrangement, say something in this manner.
ठीक है सर, दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट. इसमें कैसा होता है, सेंटर के नीचे सेंटर आ रहा होता है, राइट. इसमें कैसा होता है, सेंटर के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसके नीचे अगली रो का सेंटर आ रहा होता है. तो देर आर डिफरेंट पैकिंग्स दैट आर देयर इन सॉलिड स्ट्रक्चर्स. तो उसमें से जो क्लोज्ड पैकिंग होती है, मतलब जो ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो वाला पैकिंग यूज करना होता है. ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये वर्ड नहीं समझ में आएगा इतना क्लियरली कि सर व्हाट इज क्लोज पैक्ड फॉर्म, दैट इज ओके. हाउएवर आई विल स्टिल आस्क यू टू कीप इट इन योर नोट्स. ठीक है, इसको लिखना भूलना नहीं, एंड बाद में जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड भी समझ में आएगा. ठीक है, so, this was metallic radius. हाँ, इसमें आप कुछ डाउट है बताओ. सर इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना? या सो इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज रहता है, किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, उस सब का डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको मेटालिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ. अभी मैंने क्या बताया, इसमें दैट अरेंजमेंट है, एटम्स आपस में अरेंज्ड हैं. इलेक्ट्रॉन्स को तो हम देख सकते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके न्यूक्लियस की पोजिशन के बेसिस पर एक साइज का एस्टिमेशन लेते हैं. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मीनिंग, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब होता है एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. सर ठीक है, हाँ सर, बिकॉज़ इट्स रेगुलर द डिस्टेंस विल बी सेम एवरीवेयर, राइट? यस सर. बट ये अलग अलग टाइप के रेडियस का रियल लाइफ में क्या काम होता है? अभी धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा. Sir, is it compulsory that all the atoms of a particular element have same size? So we take a statistically large sample, okay? And based upon that sample, we come up with the statistically important terms. आपने पढ़ा होगा ना mean, median, mode? Yes, sir. तो वैसे ही एक statistically large sample लिया जाता है और उसके हिसाब से फिर उस data को study करके standard deviation को use करते हुए we come up with the answer. That this should be the size of the atom. Okay, sir. Now, अब एक और तरीका रहता है, एक और टाइप का रेडियस या साइज होता है, that is called as van der Waals radius. ठीक है, अच्छा, बिफोर आई एक्चुअली टॉक अबाउट van der Waals रेडियस, एक क्विक नोट है दैट अगर हम किसी कंपाउंड के लिए या सॉरी किसी एलिमेंट के लिए मेटालिक एज वेल एज कोवेलेंट रेडियस दोनों रिपोर्ट कर पाते हैं, तो फिर व्हाट वी टिपिकली फाइंड इज दैट मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस. दैट इज लाइक एन ऑब्जर्वेशन, इफ वी हैव एन एलिमेंट जिसके लिए दोनों टाइप का डेटा मिलता हो. ठीक है, नाउ थर्ड टाइप का रेडियस यहां पे नोटिस करना, दैट इज कॉल्ड एज वान डर वाल्स रेडियस. Now this van der Waals radius is something which is very less used. ठीक है, ऊपर वाले जो दो radius हैं, those are the ones which are primarily used. उसमें भी covalent वाला सबसे ज्यादा use होता है. अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप ये मान के बैठो covalent radius का ही discussion हो रहा होगा. ठीक है, but sometimes ये third वाला जो radius है, van der Waals radius, ये भी use हो जाता है. अब ये use होता है specially for noble gases, because noble gases jo hain, they don't form bonds with other elements or with like their own type of atoms, right? Helium helium ke beech mein bond form nahi hota, neon neon ke beech mein bond form nahi hota. So what happens is that agar main let's say helium ka ek sample bhi le raha hunga, to usme mujhe matlab bas kya milega, aise nucleus दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे फ्रॉम ईच अदर, बट अब सिर्फ एक न्यूक्लियस के बेसिस पर कमेंट करना कि साइज ऑफ एटम क्या होगा विल बिकम अ चैलेंज, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज, व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट वी ट्राई टू सॉलिडिफाई दिस नोबल गैस. ठीक है, हम लोग काफी लो टेम्परेचर्स पे लेके जाना पड़ता है. ठीक है, व्हेन वी डू दैट देन दीज gases
दे डोंट रिमेन गैसेस एज सच, वो सॉलिड बन जाते हैं और उनके एटम्स का वापस से एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट हो जाता है उनके एटम्स का, एक रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व होता है, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे बाद में, दीज आर कॉल्ड एज मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है, काफी लो टेम्परेचर्स पे ये चीज अचीव हो पाती है. नाउ इन सच सिचुएशंस, ठीक है, वी अगेन ट्राई टू देन कम अप विद द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, एंड देन डिवाइड दैट बाय टू टू रिपोर्ट दैट एज द वैन डर वाल रेडियस. नाउ ये जो रेडियस होता है दिस इज एक्चुअली क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू दीज अदर रेडियस दैट वी मेजर्ड. क्यों? क्योंकि यहां पर जो फोर्स इन दोनों एटम्स को साथ में रखे हुए है, ठीक है, जो वंडरवॉल्स फोर्स है, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा वंडरवॉल्स फोर्स, ये जो फोर्स इन एटम्स को साथ में रखे हुए है, ये फोर्स काफी वीक होता है, इट इज वेरी वीक फोर्स. तो बिकॉज ऑफ वीक फोर्स तो ये एटम्स क्या ज्यादा पास पास भी नहीं आ पाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा वैल्यू रहता है, ठीक है. तो जो नोबल गैसेस हैं उनका रेडियस या उनका साइज अगर आप नोटिस करोगे तो वो लाइक ज्यादा ही मेजर हो पाता है. क्यों? क्योंकि उनके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस मेजर ही नहीं कर सकते हैं, उनके लिए रिपोर्ट ये वंडरवॉल रेडियस करा जाता है, ठीक है. समटाइम्स ये वंडरवॉल्स रेडियस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन का भी वंडरवॉल रेडियस मेजर करा जाता है, ठीक है. हाइड्रोजन का वंडरवॉल रेडियस कैसे मेजर करा जाता है, तो उसमें वही करते हैं, एच टू गैस को सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है, राइट. तो यहाँ पर जैसे हमने एक सैंपल लिया, उसमें एच टू गैस को सॉलिडिफाई कर दिया, राइट. तो एच टू गैस के दो मॉलिक्यूल्स तो कैसे दिखते हैं, लाइक दे आर दो न्यूक्लियाई, तो बहुत पास पास रहेंगे, बट अब क्या करेंगे कि जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, राइट. तो इनके जो पास एक दूसरे के न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, राइट, एंड देन रिपोर्ट और डिवाइड दैट डिस्टेंस बाय टू टू रिपोर्ट द वंडरवॉल्स रेडियस ऑफ दैट नॉन मेटल, ठीक है. सो टिपिकली वंडरवॉल्स रेडियस इज यूज ही नहीं करा जाता, ठीक है, वंडरवॉल्स रेडियस जनरली इज नॉट यूज्ड इन कंपैरिजंस इन डिस्कशंस, ठीक है. द ओनली रीजन व्हाई वंडरवॉल्स रेडियस इज समथिंग यूजफुल और समथिंग दैट कम्स हैंडी इज व्हेन वी वांट टू टेक एन एस्टिमेट ऑफ साइज ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, बिकॉज उनके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस नहीं रिपोर्ट कर सकते, वो बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है. बट इवन आफ्टर डूइंग दैट, इवन आफ्टर कंप्यूटिंग द वंडरवॉल्स रेडियस ऑफ दीज नोबल गैसेस, व्हाट वी कम टू अ कंक्लूजन इज दैट द साइज रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ वंडरवॉल्स रेडियस इज मच ओवर एस्टिमेटेड. कैन यू सी द ओवर एस्टिमेशन हैपनिंग ओवर हियर? यस सर, बिकॉज द फोर्स इज वेरी वेरी वीक, ठीक है, लाइक इट इज समथिंग व्हिच इज सो वीक दैट very low temperatures are required for it to actually make some impact, make the atoms solidify, ठीक है. तो ये तीन type के radius हम लोग report करते हैं, covalent, metallic and van der Waals, right, जिसमें सबसे ज्यादा use होता है covalent, ठीक है, metallic भी कई बार use हो जाता है, van der Waals is rarely used. However, आपको ये तीन types के radius क्या होते हैं उनका एक बैकग्राउंड जरूर रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है. हाँ बोलो सर. एटॉमिक रेडियस तो ये होता है ना, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस. नहीं, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच वी विल बी एबल टू कैलकुलेट थ्योरेटिकली सर. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एक्सपेरिमेंटल वेज एंड टेक्निक्स टू कम अप विद द साइज ऑफ एटम बेस्ड अपॉन what I have just discussed with you over the last half an hour. Sir, upar jaane ek second. Haan.
बोलो बोलो सर सर वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वैंडरवॉल्स एज रेडियस आर द सेम एक फोर्स है और एक रेडियस है तो दोनों चीजें तो अलग है बट यस कनेक्टिंग साइंटिस्ट इज सेम ओके सर Sir, how can van der Waals even be accepted? Like you're completely changing the temperature and state. Yeah, yeah. So that is what I said, that van der Waals radius isn't something that we are going to anyways use in this chapter for our sake of comparisons. Kiska size bada, kiska size chota. Theek hai? Hum log use karne bhi nahi wale hai. Okay. So can you explain that overestimation thing yourself? आप मतलब देखोगे ना यहाँ पर लाइक जो एक्चुअल एटम्स हैं इनके जो न्यूक्लियाई हैं ये मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली कैसे बनाया हुआ है दूर दूर बनाया हुआ है ना हाँ सर तो अगर इफ आई टेक हाफ ऑफ दैट एंड रिपोर्ट दैट एज रेडियस देन आई एम लाइक ओवर एस्टिमेटिंग ठीक है ओके सर थैंक यू सर ये तो एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ही हो गया ना हाँ आप बोल सकते हो जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिखा ना यहाँ पर H2 के लिए तो यहाँ पर जो लाइक सक्सेसिव एटम्स थे बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स उनके बीच का डिस्टेंस लेके मेजर कर लिया तरीका है बता दिया है डिफाइन कर लिया है ऑल्दो हमारे ज्यादा काम आने नहीं वाला ठीक है सर तीनों में डिफरेंस बस वो एलिमेंट्स कौन से यूज कर रहे हैं उसका ही है ना द फॉर्मूला इज सेम राइट राइट सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक वी आर यूजिंग क्या देखिए आप नेट ले आइए और प्लीज म्यूट सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट एंड द टेक्निक दैट इज बीइंग यूज्ड यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीस रेडियस मेजरमेंट्स जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कोवेलेंट एंड मेटालिक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको ही ध्यान में रखना वान डर वाल इज लाइक ठीक है डजंट रियली बॉदर अस मच नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स दैट टॉक अबाउट अटोमिक रेडियस सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अटोमिक रेडियस सो पहला फैक्टर है which is called as principal quantum number of the valence electrons, right? ये हम लोगों ने पहले भी discuss किया हुआ था that अगर n का value बढ़ेगा like जो outermost electrons हैं they are in a higher shell or higher principal quantum number then size of atom would be greater. The second important factor is effective nuclear charge जो हम लोगों ने last class में discuss किया था effective nuclear charge का trend याद है आपको कैसा था table में Across a period, Z effective बढ़ता है कि कम होता है? लेफ्ट टू राइट Z effective बढ़ता है ठीक है एंड डाउन द ग्रुप Z effective कैसा रहता है Almost constant. ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग जज करना चाहेंगे दैट साइज का ट्रेंड कैसा होता है ठीक है सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स लेट्स लुक एट द ट्रेंड तो अक्रॉस अ पीरियड कैसा होगा लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो एन तो कांस्टेंट है राइट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही शेल में रहने वाला है अक्रॉस अ पीरियड है ना बट जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या हो जाएगा ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा साइज डिक्रीज करेगा ठीक है तो जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड पीरियड लिथियम से लेकर हम लोग फ्लोरीन तक जा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है नाउ यहाँ पर अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी वैल्यूज ठीक है मैंने जस्ट ये वैल्यूज इसलिए आपके सामने लिखे हैं कि आपको एक आइडिया लगे दैट जो साइज चेंज है अक्रॉस अ पीरियड वो ग्रेजुअल होता है ठीक है इट इज लाइक अ रिलेटिवली ग्रेजुअल चेंज एज कंपेयर्ड टू
when you go down the group. Down the group क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो n का वैल्यू बढ़ जाएगा. Yes sir. n का वैल्यू बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा. z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो उससे इतना फर्क पड़ नहीं रहा है. तो दोनों फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट इज दैट साइज ऑफ एटम्स बढ़ जाएगा एज वी गो डाउन द ग्रुप. राइट. सो यहां पर अब आप नोटिस करना, लेट्स से इफ आई आस्क यू टू कंपेयर द साइज ऑफ एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप, अल्कली मेटल्स में मैं जा रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो साइज बढ़ रहा होगा. ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एट द डेटा. नाउ सर, डेटा कॉपी करने की जरूरत है क्या नोट्स में? हाँ, डेटा आप कॉपी करके रखो नोट्स में, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, उस डेटा से हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज देखना चाह रहे हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं? दैट साइज इज चेंजिंग सिग्निफिकेंटली डाउन द ग्रुप, वेयर एज अक्रॉस द पीरियड द चेंज इज ग्रेजुअल ओनली. सर sir, actually for lithium we are measuring the metallic radius, right? नहीं, यहाँ पर हम लोग अभी comparison कर रहे हैं, सबका covalent radius measure करा जा रहा है. Okay sir, but from beryllium to lithium big changes there, right? Somewhat yeah. Big yeah. Okay sir. Sir hmm. सर, ये जो चेंज हो रहा है उसका कोई मतलब पैटर्न है कि ऐसे रैंडमली चेंज होता है? तुमको क्या दिख रहा है? व्हाट इज द पैटर्न दैट यू आर सीइंग? सर ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है. नहीं मतलब मैथमेटिकली तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो तो अलग है. जो पैटर्न मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज हो रहा है. यस सर. और यहाँ पर डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है. That is the only pattern that I'm trying to show to you. Okay? If you are asking me, sir, यहाँ AP बन रहा है कि GP बन रहा है कि AGP बन रहा है, तो वैसा कुछ नहीं होगा. Okay, sir. Word समझ में आते हैं तुम्हें? AP, GP? Yes, sir. AP आता है. हाँ, sir. नहीं आता. हाँ, तो वैसा कुछ मत करना यहाँ पे. What about neon? नहीं, noble gases का हम लोग निकाल दिया ना discussion से. Like we will comment about it जब मैं exceptions का discussion करूँगा. But noble gases aren't supposed to be compared because like they are a different measurement altogether. Unke liye hum log covalent radii ya metallic radii nahi report kar pate. So what we end up doing is then fir uska van der Waal radius hi report karna padta hai, and that inevitably kind of changes the trend. To achanak se main yahan par aapke samne neon likh dunga to uska size bahut sa bada sa hoga. Theek hai, to we will highlight that as part of exceptions. But not something which is useful in these comparisons. Sir, not only that, no sir, and the all completely filled is also there, no sir. So all the cells will be in a proper position. It won't be too close or it won't be too far away, no sir. Well, I can't comment because उनके लिए हमें report ही van der Waals radius करना पड़ता है. Okay, sir. ठीक है. Now. अब इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग जिस पैटर्न में हर एक प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग पहले वो प्रॉपर्टी समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी है क्या, देन उस प्रॉपर्टी के फैक्टर्स पढ़ते हैं, उसके ट्रेंड्स पढ़ते हैं, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस ट्रेंड्स में इफ देर आर सर्टन नोटिसेबल एक्सेप्शंस एंड देयर एक्सप्लेनेशंस. सो इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक साइज हमने इसका मोटा मोटा ब्रॉड ट्रेंड समझ लिया है, दैट अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीज होते हैं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है. बट इस ट्रेंड्स में देर आर सर्टन नोटिसेबल एक्सेप्शंस. सो सबसे पहले हम लोग एस एंड पी ब्लॉक में ये जो एक्सेप्शंस है वो नोटिस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना दैट अक्रॉस अ पीरियड एस एंड पी ब्लॉक में जैसा हमने नोटिस किया साइज डिक्रीज होता है, राइट. But when we notice noble gases, what we see is that the reported radius is quite high. In fact, it is higher than all the elements that are there in the entire period. मतलब अगर यहाँ पे neon का मुझे report करना होता तो वो lithium से भी ज़्यादा size मुझे report करना पड़ता. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, but अगर लिखता
तो कुछ ऐसा होता विच डजंट मेक मच सेंस. एंड द रीजन वाई इट डजंट मेक मच सेंस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फॉर नियॉन द रेडियस दैट इज रिपोर्टेड इज वंडरवॉल्स रेडियस. ठीक है, सो वी हाईलाइट दिस एज पार्ट ऑफ आर एक्सेप्शन. अनदर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू बी नोटिस्ड इन द एस एंड पी ब्लॉक इज वेन यू गो डाउन द ग्रुप इन द 13th कॉलम. ठीक है, जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स याद है सबको ये? यस सर. बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. सो जनरल एक्सपेक्टेशन हमारी कैसी रहेगी? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा. हाउएवर व्हेन वी ऑब्जर्व द रेडियस ऑफ अल्यूमिनियम एंड रेडियस ऑफ गैलियम वी फाइंड देम टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, द साइज ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इज वेरी क्लोज विच इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप. सो इट इज एन एक्सेप्शन टू बी रिमेम्बर्ड. एंड इसके पीछे का जो रीजनिंग, जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है. ये गैलियम कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा? दिस इज प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड. यस सर. राइट, फोर्थ पीरियड में कैसा रहता है? पहले यहाँ पर एस के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर उसके बाद डी के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर उसके बाद ये पी ब्लॉक की बारी आती है. यस सर. राइट, फोर्थ पीरियड याद है कि नहीं याद है आपको? याद है सर. ठीक है, ये चीजें देखो कनेक्ट हो जानी चाहिए. अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रही है तो आई वुड इंसिस्ट कि एक पीरियोडिक टेबल साथ में लेके बैठो. ठीक है, लाइक पेस्टेड इन योर रूम समवेयर सो दैट यू कैन फटाफट लुक एट इट व्हेन आई एम आस्किंग यू टू रेफर टू सर्टेन रो और सर्टेन कॉलम. अगर आपको याद नहीं रहता, तो याद रहता तो बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, बट बार बार मेरे लिए चीजें रिपीट करना मुश्किल रहेगा बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड I will be under this assumption कि अभी बच्चों को जो periodic table का structure है वो एकदम बराबर से याद हो गया है and जो जो important elements मैंने बताए थे वो भी location उनकी क्या है कहाँ है वो भी याद हो गया है. ठीक है, and I will be assuming this and moving a bit faster. ठीक है, मैं बार बार explain नहीं करने बैठूंगा कि देखो ये fourth period था, इसमें पहले यहाँ पे ये भर रहा था, इसमें फिर ये हो रहा था. I will be assuming कि ये तो मैंने बोल दिया fourth period, तो बच्चों को click हो गया कि हाँ fourth period में like पहले 3D के भी elements fill होते हैं. ठीक है, so please make sure that we both are on the same page in terms of remembering what has been taught. ठीक है, तो revision करके बैठा करो. अगर revision नहीं करोगे then दिक्कत ये हो जाएगी that you and I will be on different pages. मैं assume करके बैठूंगा आपको आता है and you will be like कि अरे पढ़ा ही नहीं. फिर आपके लिए वो lecture थोड़ा सा disconnected सा ही चलेगा. You will not feel like entirely confident after that lecture. सो गैलियम के पहले व्हाट हैपेंस इज दैट 3D सीरीज के एलिमेंट्स फिल हो रहे होते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी हाईलाइट और व्हाट वी से एज अ रीजन इज दैट जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स थे दे डिड नॉट डू अ गुड जॉब इन शील्डिंग द न्यूक्लियर चार्ज जितना उनको करना चाहिए था. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है दैट SPDF के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें S आर गुड एट शील्डिंग, P उनसे थोड़ा कम होते हैं, राइट, D एंड F आर पुअर शील्डर्स, राइट. तो यहाँ पर गैलियम के पहले जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स भरे, जो इलेक्ट्रॉन्स भरे, उनको जितनी शील्डिंग करनी चाहिए थी उतनी अच्छी शील्डिंग उन्होंने करी नहीं. एज अ रिजल्ट पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा. Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से what we are observing is that gallium के atom का size थोड़ा shrink हो जाता है. It is not as large as expected but quite similar to the size of aluminium. तो ये एक important exception है और ये उसके पीछे का reasoning है. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही important lesson आप लोगों के लिए है. That lesson is somehow connected with your doubts. For example, you might want to ask me, ki, sir, what about the next column? Carbon, silicon, germanium, SN,
PB, right? This is what is there in the next column. The same thing is happening with germanium as well. Germanium ke pehle bhi to 3D ke electrons bhar rahe honge. Like if I look at the configuration of germanium, germanium ka configuration hoga 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, and then 4p1. Hai na? Aisa hoga germanium ka configuration? तो आप बोलोगे मुझे कि सर इसमें भी तो 3D के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, राइट? ये 3D के इलेक्ट्रॉन्स भी पुअर शील्डिंग कर रहे होंगे, राइट? तो विच व्हाट शुड आई से, आर दे गोइंग टू डू पुअर शील्डिंग और आर दे नॉट गोइंग टू डू पुअर शील्डिंग? माय आंसर इज यस, दे आर गोइंग टू डू पुअर शील्डिंग. दैट इज अ फैक्ट, दैट इज एन एस्टैब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग, राइट? देन यू मे आस्क मी कि सर अगर ये पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, देन व्हाई इजंट देयर इज एन एक्सेप्शन इन द साइज ओवर हियर? व्हाई इजंट सिलिकॉन से जर्मेनियम में सर आफ्टर 3p 3d, राइट? सॉरी सर, आफ्टर 3p 3d, राइट? 3p के बाद में तो आ रहा है 3d. हां सर, बिकॉज़ ऑफ दैट ओनली इट इज नॉट एन एक्सेप्शन. व्हाट? Did it not make any sense? हाँ, ये 4p2 जरूर रहेगा, करेक्ट, ये क्योंकि 14th ग्रुप है. Anyways, stop interrupting in between. So as I was saying that यहां पर ठीक है, ग्रुप 13 में we highlighted that there is an exception. Aluminium gallium ka size similar hai, right? And I gave an explanation for that as well. Ki gallium ke pehle yahan par 3D series ke electrons jo hain, 3D subshell mein jo electrons hain, they are poor at shielding. To Z effective badhne ki wajah se gallium ka size shrink ho gaya, right? Now you might end up asking me this doubt that sir, why isn't the same thought process applicable in group 14 ya fir group 15? Like iske aage bhi yahi cheez applicable rehni chahiye, that germanium jo hai usme bhi 3d ke electrons fill ho rahe hain, right? To wo 3d ke electrons poor shielding kar rahe hain, to germanium ka bhi size jo hai wo shrink ho jana chahiye. It should be almost comparable to silicon. Now understand something very very important over here. The thing is, when we are looking at a certain property like atomic size, what we see is that there are multiple factors that affect that property. And when these factors are giving the same trend, to koi dikkat nahi hai. Hame ek consistent sa trend milne lag jata hai. But when these factors oppose each other, when these factors contradict each other, then kab kaun sa factor dominate karega, is cheez ka prediction bahut mushkil hai. Is cheez ko predict kar pana hamare liye possible nahi hai. Kyunki main aise thoda bol raha hu aapko ki dekho, hum logo ne ye do factor padhe, ek principal quantum number और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसका वेटेज है 33% और इसका वेटेज है 67%. क्या ऐसा मैंने आपको बताया कुछ? नो सर, राइट? सो ऐसा बताऊंगा भी नहीं, ऐसा किसी बुक में आपको मिलेगा भी नहीं, दैट वी आर पुटिंग सम वेटेज, यू नो ये ज्यादा अच्छा फैक्टर है, ये कम अच्छा फैक्टर है, इसका ये वेटेज, ऐसा कभी नहीं मिलेगा. अब जहां पर दोनों फैक्टर्स लाइक एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करते हैं, वहां पे चीजें स्मूथ रहेंगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने नोटिस करा कि अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, एन कांस्टेंट है, उससे रेडियस पे फर्क नहीं पड़ रहा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, उससे आर कम हो रहा है, तो हमने एक कंसिस्टेंट सा ट्रेंड लिख दिया कि हाँ आर कम हो रहा होगा अक्रॉस अ पीरियड. ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली. बट कहीं पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट हैपेंड, क्योंकि यहाँ पर जो एन वाला फैक्टर है वो क्या कह रहा है, नीचे जा रहे हो तो मतलब साइज बढ़ना चाहिए, है ना? Yes, sir. And Z effective
यहाँ पर हमने क्या बोला, पुअर शील्डिंग हुई, पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया एल्यूमिनियम गैलियम के बीच में। तो ये वाला क्या कह रहा है कि पुअर शील्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आर कम हो जाना चाहिए, राइट। तो ये दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट कर गए एक दूसरे को। यस सर। अब जब कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, दैट कौन सा डोमिनेट कर पाएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग एक्सेप्शंस याद करेंगे। आई थिंक ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी बच्चों को बताया था, समझाया था, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी एक्सेप्शंस देख रहे थे। एक्सेप्शंस आर नॉट टू बी प्रिडिक्टेड, दे आर टू बी रिमेम्बर्ड एंड अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहां पर कैसा हो रहा है दैट ग्रुप 13 में दोनों फैक्टर्स ने कॉन्ट्रडिक्ट करा, एंड व्हाट वी सॉ इज दैट जेड इफेक्टिव ने एक्चुअली काफी डोमिनेटिंग रोल प्ले करा, जिसकी वजह से साइज ऑलमोस्ट सिमिलर सा हो गया, ठीक है। ग्रुप 14 में कि ग्रुप 15 में या आगे वाले ग्रुप्स में मे बी दैट फैक्टर डिडंट प्ले अ रियली डोमिनेटिंग रोल, ठीक है। पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्टर तो फैक्ट है, राइट। बट डिड इट प्ले अ डोमिनेटिंग रोल, डिड वी सी अ फ्लक्चुएशन इन द साइज ट्रेंड, द आंसर इज नॉट रियली, सो वी डोंट रियली देन रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स एज एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शन था वो हमें दिखा, हमने उसको याद करा और हमने उसके पीछे का रीजनिंग समझा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। नाउ हैविंग सेड दिस, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, दिस इज एक्चुअली अ ट्रू फ्लेवर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज स्टार्टिंग विद यू, ठीक है। इसके पहले के जो चैप्टर्स थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, दे वर रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड चैप्टर्स, दे वर रिलेटिवली ईजी चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा, क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड इन केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सम स्टूडेंट्स टेंड टू डेवलप अ फोबिया, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब मैथ्स इतना अच्छा चल रहा है या फिजिक्स इतना अच्छा चल रहा है, उसमें लाइक विजुअलाइजेशन होता है, लाइक एक सिंपल सा लॉ पढ़ा देते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ, और उसके बेसिस पे सर हम लोग 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, लाइक किसी भी सिचुएशन में कैसे भी अप्लाई कर लो, राइट। बट ये भूल जाते हैं कि दोज एप्लीकेशंस आर ऑल्सो समथिंग विच आर डन बाय कीपिंग नो फ्रिक्शन, नो रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें भी हम लोग कुछ अजम्पशंस, अप्रोक्सीमेशंस ले लेते हैं और तभी वो सब चीज़ें अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। बट केमिस्ट्री में हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में मुझे सिर्फ वही करना होता तो मैं यहीं तक आपको बता के छोड़ देता हूँ, जितना आपने 9th class 10th class में ICSE में पढ़ा था कि सर ये ट्रेंड होता है, लाइक आई एम श्योर 9th class 10th class में जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा ICSE में, दे वुड हैव लव्ड दिस चैप्टर। अरे सर बहुत ही सिंपल है, अक्रॉस ए पीरियड ऐसे होता है, डाउन द ग्रुप ऐसे होता है, और मजा आ जाता है, मतलब एकदम लाइक रियली गुड, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोग जेई एडवांस के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें भी बीच में बताता रहूंगा, प्रैक्टिकल चीजें कहाँ पे कवर हो रही है, इन एक्सेप्शंस में, ठीक है। एंड ये जो एक्सेप्शंस होंगे आपके लिए, ये रैंडमली पॉपअप करेंगे, मतलब आप लाइक प्रिडिक्ट नहीं करोगे एक्सेप्शंस, आपसे बोला नहीं जाएगा कि बैठ के प्रिडिक्ट करो, दीज आर एक्सेप्शंस विच आर रैंडमली पॉपिंग अप because of whatever practical reasons, what I'm going to ask you or expect from you is ki ye exceptions ko ab aap dhyan mein rakhna, questions inhi pe puche jate hain exams mein, theek hai, so make sure that you are putting in an extra effort in remembering these exceptions, theek hai, no matter it's a ratta, it is a ratta, I completely agree with it, I don't deny that, theek hai, however that ratta will become relatively easier for you, relatively digestible for you, if you also understand the reason or explanation for those exceptions. ठीक है? Even after doing that, आपको एक discomfort रहेगा ही सही,
कि सर मतलब दिस इज नॉट माय स्टाइल ऑफ लर्निंग, दिस इज नॉट हाउ आई वुड वांट टू लर्न अ टॉपिक और सब्जेक्ट. सो उसके लिए आपके पास में एक सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है दैट दिस इज एक्सट्रीमली स्कोरिंग इन द सेंस जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो दीज आर क्वेश्चन दैट आर सपोज टू बी डन विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. अगर आपको आता है तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको स्कोर मिल जाएगा एंड यू विल सेव टाइम विच यू कैन देन यूज इन मैथ्स और फिजिक्स. बट अगर आप फोबिया डेवलप कर लोगे कि नहीं मतलब मुझे तो लाइक ये रट्टा मारना ही पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यू विल एंड अप लूजिंग स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज. आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इफ यू आर रियली गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा इनफैक्ट IIT में, बट रैंक नहीं आएगी. किसी भी रैंकर से पूछ लेना, आपके जो सीनियर्स या सुपर सीनियर बैच के बच्चे होंगे, अगर रैंक चाहिए तो यू कांट अफोर्ड टू लीव चैप्टर्स, यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन इजी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो भी 3 नंबर का 4 नंबर का आएगा, और कोई मैथ्स का या फिजिक्स का इंटेंस क्वेश्चन होगा जिसमें काफी सारी सॉल्विंग करनी होगी, वो भी 3 या 4 नंबर का ही आएगा. So you will have to be mature about this fact that this is something which requires a different way of learning. So you will have to adapt to it and make sure that something you stick to. ठीक है, ज्ञान समझ में आया? सर तो ये एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? यस सर. यस सर. आपको ये कुछ कह रहा था बीच में? सर ये एक्सेप्शंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा? नहीं. आपको बुकलेट में क्वेश्चंस रहेंगे, यू विल गेट टू सी. सो ये एस एंड पी ब्लॉक के 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं. अच्छा, अब नोटिस करना डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर अक्रॉस अ पीरियड हम लोग जा रहे हैं, तो व्हाट इज आवर जनरल एक्सपेक्टेशन? द जनरल एक्सपेक्टेशन इज साइज वुड डिक्रीज, ठीक है, दैट इज अ जनरल एक्सपेक्टेशन दैट वी विल हैव. हाउएवर व्हेन वी लुक एट द डेटा, व्हेन वी फाइंड हाउ द ट्रेंड इज, तो हमें कैसा दिखता है? अगेन नो नीड टू रिमेंबर एनी वैल्यूज. हम लोग जब अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये पर्पल कलर में देखोगे तो पर्पल कलर में 3D सीरीज के एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स जो है वो लिखे हुए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है. तो 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 4D सीरीज मतलब क्या हो गया? फिफ्थ पीरियड. डी ब्लॉक का एलिमेंट्स फिफ्थ पीरियड वाले. 5D सीरीज क्या हो जाएगा? Sixth period के elements in the D block. तो इन सब में हम लोग across a period एक trend observe कर रहे हैं, ठीक है, वो trend किस तरीके का observe कर रहे हैं? That most of the period में left to right में size decrease हो रहा है, ठीक है, normal trend चल रहा है. जैसे हम left to right जा रहे हैं, size of atoms of elements is in a decreasing manner. However, somewhere in the middle or somewhere around the middle of the period, we find that size are in a period, the size are almost like constant. There is hardly any difference between size of the elements. And then towards the right hand side of the period, jo last ke 2-3 elements hai us period ke, unke liye hame ek एक्सेप्शनल ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है, दैट साइज इनफैक्ट बढ़ रहा है. हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होने का, बट इन केसेस में साइज बढ़ रहा है, राइट. ये 3 रीजन समझ में आ रहे हैं ट्रेंड के, दिख रहे हैं? कैन यू विजुलाइज देम क्लियरली? यस सर. कॉपर एज एन एक्सेप्शन कॉन्फिगरेशन सर. अब मैं इनका एक्सप्लेनेशन का आता हूं, ठीक है. अब इनका पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है, ठीक है, एक्सेप्शंस क्या दिख रहे हैं.
अब व्हेन वी नोटिस द एलिमेंट्स जिनमें हमें ऐसा चेंज इन ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, लाइक कॉपर जिंक दिख रहा है, या फिर आपको प्लैटिनम पलेडियम सिल्वर गोल्ड कैडमियम मर्करी, ये जो एलिमेंट्स हम लोग नोटिस कर रहे हैं जिनमें ऐसा इंक्रीज इन साइज ऑब्जर्व हुआ, तो उसमें व्हाट वी फाउंड आउट, ठीक है, व्हाट वाज आर अंडरस्टैंडिंग वाज, यहाँ पे नोटिस करना दैट दे आर एलिमेंट्स विच हैव एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशंस एंड उनमें फुल्ली फिल्ड एन माइनस वन डी सबशेल प्रेजेंट है. आपको याद है कॉपर का कॉन्फिगरेशन कैसा होता था? यस सर. कॉपर का कॉन्फिगरेशन यूज्ड टू बी 4s1 3d10. 4s1 3d10, राइट. या जिंक का कॉन्फिगरेशन कैसा होता था? आर्गन 4s2 3d10. 4s2 3d10, राइट. तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करें, इनफैक्ट आप बाकियों का भी ड्रॉ करोगे अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पे इन पे ध्यान दिया होगा, तो ये भी एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशंस होते हैं सिल्वर गोल्ड के प्लेटिनम पैलेडियम के. तो इनमें ये जो एन माइनस वन डी सबशेल है ये फुल्ली फिल्ड है. तो उसके वजह से क्या बोला जा रहा है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? आउटर इलेक्ट्रॉन ये एनएस वाला हो जाएगा ना? यस सर, राइट. ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है दिस गेट्स मोर शील्डेड. जो इनर एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है तो उनका क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मोर शील्डिंग और यू कैन से लेसर न्यूक्लियर चार्ज, लेसर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है. राइट. तो हम लोग कैसा बोलेंगे कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और मेरा ये आउटर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है. अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ये कैसे हैं? दे हैव लाइक अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बिकॉज दे हैव लाइक अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर कॉजिंग मोर शील्डिंग, दे आर स्क्रीनिंग बेटर, दे आर शील्डिंग बेटर. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है इसको जितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होना चाहिए था उतना अच्छा न्यूक्लियर चार्ज ही एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वी फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज इन दीज एलिमेंट्स. सर मेरे को रीजन नहीं समझे वाला, आपने जो समझाया अभी. हाँ रिपीट करो, मैंने क्या बोला एक बार? सर आपने बोला कि आउटर इलेक्ट्रॉन अच्छा शील्डिंग पे ये नहीं कर सकता. आउटर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं कर रहा है, शील्डिंग कौन करते हैं? सर वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करते. एक बार उसको पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड दिस वर्ड बाय वर्ड. यस सर. The outer electron, that is NS electron, is more shielded by inner N minus 1d electron in symmetrical distribution. Thus, outer electron experiences lesser Z effect, which results in increase of size. ठीक है. अब बताओ इसमें क्या-क्या चीजें हैं जो कि समझ में नहीं आई. So, can you explain symmetrical distribution again? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि फुल्ली फिल्ड है ना, तो जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यू हैव डी ऑर्बिटल्स. कैसे रहते हैं डी ऑर्बिटल्स? ये जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये डी एक्स वाई हो गया, राइट. ऐसे ही फिर लाइक ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, तो ऐसे ही डी वाई जेड भी होगा, राइट. डी एक्स जेड भी होगा, राइट. एक डी जेड स्क्वायर भी होगा. नाउ ऑल दीज ऑर्बिटल्स दे आर कंप्लीटली फिल्ड, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक खाली है. बिकॉज दे आर कंप्लीटली फिल्ड देयर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ऐसा हम बोल सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. Yes, sir. Right, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अच्छे से स्क्रीन हो पा रहा है. Yes, मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पे होगा ना, 4s का, 4s का साइज 3d से तो बड़ा ही होगा ना.
राइट, तो जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है इट इज गेटिंग मोर शील्डेड बाय दीज फुल्ली फिल्ड इनर सबशेल. एज अ कॉन्सिक्वेंस इसको जितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होना चाहिए था उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम बढ़ जा रहा है. यस, थैंक यू सर. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पे आप नोटिस करना दैट व्हेन वी लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ट्रेंड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कैसा था, इट वॉज मोस्टली नॉर्मल ओनली. That left to right हम जा रहे हैं, size decrease हो रहा है and then the size change is almost constant, like it is almost gradual. तो यहां पर एक explanation किस तरीके से आता है वो आप notice जरूर करना. The size decrease across a period in D block is not as rapid or steep as observed in P block. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि P block में, ठीक है, मान लो left to right जा रहे हैं, size decrease कर रहा है, ठीक है, left to right हम लोग जा रहे हैं तो size of atom decrease कर रहा है, P block में ऐसा हो रहा है. But D block में what we are observing is that ये जो change है ये like एक काइंड ऑफ ऐसे ग्रेजुअल सा हो गया, इट डिडंट चेंज एज फास्ट एज इट वाज इन द केस ऑफ पी ब्लॉक. तो उसके पीछे का क्या रीजन यहां पे समझाया जा रहा है दैट इफ यू नोटिस द जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कैसे लिखा जाता है, जेड इफेक्टिव लिखा जाता है एज जेड माइनस सिग्मा. राइट, अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो जेड का वैल्यू है वो तो वन से बढ़ता है, एक एक प्रोटॉन ऐड होता जाता है ना, और जो सिग्मा है वो कैसे बढ़ता है, वेल इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हो रहा है. तो इफ यू रिमेंबर पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यूज टू गेट एडेड इन द एनएस एनपी ग्रुप ओनली, जिसमें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था. राइट, एंड यहां पर जो जैसे 3D सीरीज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो कहां पर ऐड होता है, n माइनस वन डी सबशेल में. इफ यू रिमेंबर हम लोग जैसे p ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट्स के तो कैसे लिखने में आते हैं, राइट, ns2 फिर ये np1 फिर ns2 np2 ns2 np3 इस तरीके से आता है p ब्लॉक में. जब हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यस सर, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, सेम nsnp ग्रुप में ही आ रहा है जिसमें yes, हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है. राइट, एंड जबकि यहां पर अगर हम डी ब्लॉक में नोटिस करें जो मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है वो तो ns2 है और जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहां पर होता है, n माइनस वन डी में होता है ना. राइट, जैसे ये स्कैंडियम हो गया, ये टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, ऐसा समझ में आ रहा है. राइट, तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n माइनस वनथ शेल में जा रहा है, n माइनस वनथ शेल में जा रहा है. तो याद है इसका सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कितना था, हमने पढ़ा था एक बार 0.85. यस सर. और यहां पर अगर सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 था, है कि नहीं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Z इफेक्टिव का जो चेंज है वो किसमें ज्यादा फास्ट हो रहा है, किसमें सिग्निफिकेंट हो रहा है और किसमें ग्रेजुअल हो रहा है, तो आप बता सकते हो मुझे. P ब्लॉक में द चेंज इज सिग्निफिकेंट ना, वन माइनस जीरो पॉइंट
3.5 यानी कि 0.65 से चेंज हो रहा है पी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में कैसे चेंज हो रहा है 0.85 सिग्मा 0.85 से बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव तो है वो तो 0.5 से ही डिक्रीज कर इंक्रीज कर रहा है ना। यस सर। तो इफ आई मेक दिस स्टेटमेंट कि जो जेड इफेक्टिव का इंक्रीज है वो डी ब्लॉक में ग्रेजुअल है, डज दैट मेक सेंस? यस सर। अगर जेड इफेक्टिव का इंक्रीज ग्रेजुअल है तो साइज का डिक्रीज भी ग्रेजुअल होगा डी ब्लॉक में, डज दैट मेक सेंस? एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, दैट एज वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट जो साइज का चेंज है वो ग्रेजुअल है, इट इज नॉट एज स्टीप एज इट वॉज इन केस ऑफ टी ब्लॉक। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से यहां पे नोटिस करना, मैं एक बार इसको एक ही फ्रेम में लेके आ जाता हूं। हम लोग साइज का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के अंदर, राइट? एंड इसमें हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड। सो अक्रॉस अ पीरियड व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज इन डी ब्लॉक साइज पहले ग्रेजुअली साइज पहले डिक्रीज करता है विच इज नॉर्मल, दैट वॉज एक्सपेक्टेड, बट देन समवेयर इन द मिडल द साइज चेंज इज वेरी लाइक ग्रेजुअल, साइज चेंज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लाइक साइज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रुप टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द ग्रुप साइज इनफैक्ट इंक्रीजेज। अब इनके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आना चाहिए, क्या क्या एक्सप्लेनेशन था। जहां पर साइज इंक्रीज होने लगा वहां पर हमने नोटिस किया दैट बिकॉज ऑफ दिस फुल्ली फिल्ड एन माइनस वन डी सबशेल what we are observing is that the outer electrons experience lesser effective nuclear charge, jitna unka experience karna chahiye tha unse kam karte hain kyunki ye jo pure fully filled subshell hai ye kya hai symmetrical distribution of electrons ki wajah se acha shielding kar rahe hain, theek hai, jis wajah se yahan par size ka ek increase observed hua, theek hai, whereas यहां पर जो मिडिल वाला पार्ट था जहां पर वी वर सीइंग दैट साइज वाज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसके पीछे का हम लोगों ने रीजन समझने की कोशिश करी तो उससे ये समझ में आया दैट ये साइज का डिक्रीज ग्रेजुअल था और होना भी चाहिए था बिकॉज जो एडेड इलेक्ट्रॉन्स है जो हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन एड करते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एन माइनस वनथ शेल में जा रहे हैं, एन माइनस वन शेल के अंदर जाने पर शील्डिंग हो रही है which is better as compared to what it was done in say comparison to p block, p block mein jo electron tha wo same valence shell mein hi add ho raha tha, theek hai, to ye across a period ka trend samajh mein aaya aap logo ko? Yes sir. Acha, yes sir. Isme kisi ko kuch doubt puchna hai, any question sir? Last 2 minute mein aapne jo bataya fir se batange, I am sorry, any other question? All right. अब यहां पर आप नोटिस करो डाउन द ग्रुप व्हाट इज द जनरल एक्सपेक्टेशन डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा एंड जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट, हाउएवर व्हाट वी फाइंड इज दैट यहां पे आप नोटिस करोगे सेम डेटा जो हमने ऑब्जर्व किया, हम लोग जब 3D से 4D जा रहे हैं, ये जो पर्पल वाला है वो 3D के एलिमेंट्स है और ग्रीन वाला जो है 4D के एलिमेंट, आपको दिख रहा है साइज बढ़ रहा है सर, बट इट्स दिस इज अक्रॉस द दिस नो सर, व्हाट इज व्हाट सर, दिस ग्राफ इज अक्रॉस द पीरियड नो सर, बट नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू टू लुक लेफ्ट टू राइट, आई एम आस्किंग यू टू लुक ऐसे नीचे से ऊपर, ओके सर, गॉट, ठीक है,
सो लुक इट इन दिस वे दैट ये मेरे 3D के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड देन व्हेन आई गो डाउन द ग्रुप ये मेरे 4D के एलिमेंट्स हैं, ग्रीन वाले जो है. कैन यू सी द साइज इंक्रीज्ड? यस सर. राइट, कंसिस्टेंटली यू आर सीइंग दैट 3D से 4D जा रहे हैं, हम साइज बढ़ रहा है, which is what our expectation is also. This is our expectation, this is our normal thing, that down the group ja rahe hain, size bad raha hai. But then do you see certain exception? Yes, sir. When you, yes, sir, they are equal. Go from 4D to 5D, like when you go from 5th period to 6th period. So, yahan par what we are seeing is that 5D ke jo elements hain, उनका साइज 4D के एलिमेंट से ऑलमोस्ट सिमिलर है. यस सर. अभी ऐसा कुछ आपने थोड़ी देर पहले देखा था, देयर वाज समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन ऑब्जर्व्ड? यस सर, एल्युमिनियम एंड गैलियम. यस सर, एल्युमिनियम एंड गैलियम के केस में, राइट. उसमें याद है क्या रीजन दिया था, क्या एक्सप्लेनेशन दिया था अपन ने? यस सर, सर बिकॉज ऑफ 3D एलिमेंट्स सर गैलियम का है ना ये बढ़ जाता है सर. Because of the poor shielding of 3D electrons, क्या हो रहा है? Z effective बढ़ जा रहा था, इसकी वजह से गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के जैसा ही था, ठीक है. याद है अपन ने ये देखा था, ये अपना जो पीरियोडिक टेबल होता है. Sir, what about 6P series? है ना, यहाँ पर ये अपना पीरियोडिक टेबल रहता है. तो हमने बोला था कि यहाँ पर, ठीक है, ये एल्यूमिनियम था और ये गैलियम था. दिस वॉज एल्यूमिनियम एंड दिस वॉज गैलियम. तो हमने बोला था कि इसके पहले यहाँ पर ये 3D सीरीज फिल होती है, जिसकी वजह से ये एक फ्लक्चुएशन देखने को ऑब्जर्व हुआ, ठीक है. अब आप नोटिस करना, व्हाट आई एम हाईलाइटिंग ओवर हेयर इज दैट बिटवीन द 4D एंड 5D एलिमेंट्स, ठीक है, जब हम 4D से 5D जा रहे हैं, ठीक है, ये तो 3D सीरीज हो गई. Yes, sir. 4D सीरीज हो गई, ये 5D सीरीज हो गई. तो जब हम 4D से 5D जा रहे हैं, यानी कि 6th पीरियड में जा रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पर, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर डू यू रिमेम्बर देयर वाज एन एंटायर F ब्लॉक? यस सर. दैट गेट्स फिल्ड. एंड अब व्हाट इज हैपनिंग इज that these F block elements, इनके जो F के electrons हैं, right, जो कि fill हो रहे हैं, they are again poor at shielding. Yes, sir. Because of this poor shielding of 4F electrons, what we see is that जितना Z effective यहाँ पर होना चाहिए था, उससे ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, because ये 4F के electrons अच्छी shielding नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से Z effective बढ़ जाएगा. Z effective बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? Atomic radius decrease. Atomic size decrease हो जाएगा, and this size is called as, or decrease in size is called as lanthanide contraction. ठीक है, इसको specific नाम दिया जाता है, क्योंकि ये lanthanides होते हैं ना, जो यहाँ पे fill होते हैं. These are lanthanides. तो इन lanthanides में जो electrons fill होते जा रहे हैं, वो किधर fill हो रहे हैं? 4F में. Yes sir. Yes sir. Right, and 4F में वो fill हो रहे हैं, but वो इतनी अच्छी shielding नहीं कर रहे हैं जितनी उनको करनी चाहिए. तो उसकी वजह से यहाँ जो 5D के एलिमेंट्स है, उनका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक हो गया है. सर, व्हाट अबाउट RF, TB, SG एंड ऑल लाइक दैट, दैट सीरीज? सॉरी सर, दैट पीरियड नंबर 7 आफ्टर दैट एसिड टाइम सीरीज, देयर आर सम एलिमेंट्स लाइक, व्हाट अबाउट दैट सर? नहीं नहीं, मतलब आप दोबारा क्लियरली रिपीट करो, आपका क्वेश्चन क्या है? ओके सर. हाँ, रिपीट करो ना, क्या है क्वेश्चन? सर, आफ्टर दैट एसिड टाइम्स, देयर आर एटॉमिक नंबर 104, 105, दैट एंड ऑल. मतलब यू आर आस्किंग मी कि लाइक 6D सीरीज में क्या होगा? आर यू आस्किंग? नो सर. Like that last period number after that acetones series, 104, that element number, atomic number is there, no sir? That मतलब you are asking कि ये P block में क्या होगा?
इधर नो सर इन दैट डी ब्लॉक इटसेल्फ डी ब्लॉक दैट आफ्टर दैट लैंथेनाइड एंड एंटेनाइड दैट इज सम एलिमेंट्स नो सर दैट एलिमेंट्स सो लैंथेनाइड्स ये यहां पर ठीक है यहां पर आपका लैंथेनम आ जाता है सॉरी सर सर आफ्टर लैंथेनम अनदर सीरीज इज देयर नो सर लैंथेनम के बाद में यहां पर आपका ये पूरा एटॉमिक नंबर 58 से लेकर आई थिंक 71 तक आता है यस सर यस सर राइट ये क्या हो गया एफ ब्लॉक सर एक्चुअली आफ्टर दैट सीरीज देयर आर सम एलिमेंट्स राइट तो वो यहां से शुरू होते हैं ना 72 से लेकर आगे बढ़ते जाते हैं यहां पे यस सर तो उन्हीं के बारे में तो कह रहा हूं दैट इज दीज एलिमेंट्स सॉरी सर नॉट दैट वन अंडर दैट एलिमेंट्स देयर आर आर ऑफ डी बी दैट एलिमेंट्स इज देयर नो सर दैट इज व्हाट देन आई वाज आस्किंग ना तुम इसके नीचे के एलिमेंट्स पूछ रहे हो क्या 6D सीरीज पूछ रहे हो क्या हां यस सर अब तो 6D सीरीज का डिस्कशन ही नहीं हो रहा ना यहां पर अभी 3D 4D 5D सीरीज का डिस्कशन हो रहा है ना एंड द रीजन व्हाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सीरीज बिलो दिस is because again they are radioactive elements okay sir sir are not much bothered about them sir that means that sir, they are is... similar to these then sorry so that means that that trend of that elements is not similar to these then sir nahi maine discuss hi nahi kara na wo trend to okay sir so they won't ask from that yeah they won't okay sir sir why there is a means huge difference between that 3d and 4d huge difference nahi hai normal difference hi hai this is something which is normal trend size down the group significantly change hota na ye humne upar bhi padha tha that but like sir 4d or 5d same hi ekdam almost aur sir 3d ekdam alag hai are to raja exception yahan hai na 4d aur 5d mein 3d aur 4d nahi hai हाँ सर मतलब अ नॉर्मल थिंग शुड हैव बीन समथिंग इन दिस वे कि ये 3D हो गया ये 4D हो गया और ये 5D हो गया हाँ सर व्हाट शुड हैव बीन द नॉर्मल थिंग बट गड़बड़ हुई कि ये 5D इतना बड़ा नहीं हो रहा ये यहीं पे आ गया तो एक्सेप्शन कहाँ हाँ, पर है 5D और 4D के पास राइट तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई इज दैट एक्सेप्शन देयर ओके सर थैंक यू सर ठीक है क्या कहते हैं इस एक्सेप्शन को वी कॉल दिस एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दैट बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ द 4F इलेक्ट्रॉन्स ये साइज ऑफ 5D एलिमेंट्स इज नॉट एज एक्सपेक्टेड इट इज नॉट लार्ज इट इज इनफैक्ट क्वाइट सिमिलर टू द साइज ऑफ द 4D एलिमेंट्स ठीक है ये एक्सेप्शन भी अब ध्यान रखेगा आपको यस सर ठीक है सो यहाँ पर हम लोगों ने आज मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी सॉरी एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी पढ़ी व्हाट इट मींस ठीक है इसका डेफिनेशन समझा हम लोगों ने देन उसके फैक्टर्स देखे उसके ट्रेंड्स देखे एंड देन उसके एक्सेप्शन देखे एक्सेप्शन में मैंने SNP ब्लॉक के एक्सेप्शन आपको पहले करवाए एंड देन D ब्लॉक के एक्सेप्शन कराए उसमें अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप ठीक है दोनों एक्सेप्शंस अच्छे से ध्यान रखना है और समझना है इसमें किसी को कुछ डाउट है एनीवन वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन नो सर हमको ये पूरा टेबल रिवाइज करना पड़ेगा मतलब जैसे आपने जो ड्रॉ किया ना ये नहीं आपको ऐसे एक एक एलिमेंट को भरने की जरूरत नहीं है यू डोंट नीड टू लाइक फुलफिल ईच एंड एवरी एलिमेंट ठीक है आप मोटा मोटा यहाँ पे ध्यान रखो जैसे ये जहां पर स्पेशली इंक्रीज हो रहा है साइज वो तो आप भर लेना ठीक है एंड जहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है वो वाला भी लिख लेना ठीक है okay, ये जो नॉर्मल ट्रेंड वाले हैं वो तो नॉर्मल ट्रेंड वाले उनको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ओके सर दैट एलिमेंट नेम वी शुड रिमेंबर सर व्हिच एलिमेंट नेम सर आई मीन दैट व्हाइल गोइंग डाउन देयर एंड व्हाइल कमिंग अप लाइक दैट नहीं नहीं इतना आपको जरूरी नहीं है वो मैंने बताया ना कि नहीं सर सिल्वर गोल्ड याद रखना पड़ेगा ना ये वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा जो मैंने बताया ना ये वाला मैंने पहले भी याद रखा गैलियम बोरॉन ओके सर ठीक है
सर सिलिकॉन और जर्मेनियम भी जैसे याद करना पड़ेगा, बोरॉन और गैलियम. सिलिकॉन जर्मेनियम में नहीं है एक्सेप्शन, सिर्फ बोरॉन एल्युमिनियम और गैलियम में था. सर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स भी यही चैप्टर में कवर होंगे? नहीं, विल नॉट बी डिस्कसिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. सर एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम इज अ मेटल एंड गैलियम इज अ सेमी मेटल, सो सो द बिहेवियर विल बी डिफरेंट. सो instead of changing the atomic radius, it got slightly similar, no sir? Is it that reason also we should remember, sir? आप उल्टा जा रहे हो. हम लोग fundamental properties पढ़ के macroscopic properties का explanation ढूंढेंगे. आप बोल रहे हो कि मैं macroscopic property observe करके fundamental property को explain करूँगा. Would that be correct? No, sir. Got it. So you were going to tell about the Google form. Quickly, let me just take 5-10 minutes of your time. I think link आप सबके पास में है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Share कर देता हूँ. So that Google form is basically to keep an update in terms of how you are doing in that chapter. Just give me 1 minute. Now, यहां पर आप नोटिस करना, where did that form go? आप लोगों के साथ में मैंने मोल कंसेप्ट का ये फॉर्म शेयर किया था. ठीक है सर, आई एम जस्ट क्विकली स्क्रीन शेयरिंग ऑन दैट. ये फॉर्म है आपके सामने? यस सर. यस सर. What you have to do is आपका attendance ID डालना है and use proper digits and letters like P. यहाँ पे zero है तो zero डालना, ठीक है? Don't put O. I don't know some. सर ये आप कभी दे रहे हो? Dyslexic. दे दिया है सर. ठीक है, then इसके बाद में enter your full name and then answer these questions one by one. First question is asking whether you have the notes of the chapter or not. Be it in soft form, be it in hard copy form, but आपके पास कम से कम notes हैं कि नहीं है chapter के? At least इतना आपने class attend करा है या आपने कम से कम groups पे देखा है कि जो lecture notes आए वो save करके रख लें. उतनी मेहनत भी करी है कि नहीं करी है आपने? That is what we are trying to judge in the first question. Then the second question is asking whether you have made these notes handwritten or you have just collected the printouts. So this is the second question that is asking कि भाई आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं कि बस रेडीमेड नोट्स मिल जा रहे हैं ग्रुप पे, सॉफ्ट कॉपी आ जा रही है, उसका प्रिंटआउट निकाल ले रहे हैं और काम चल जा रहा है. आपसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं है. आपसे एक्सपेक्टेशन है दैट यू शुड हैंड राइट दीज नोट्स इन अ फेयर नोटबुक. कभी कभी कुछ डिफिकल्ट ड्राइंग का डायग्राम आ गया, ऑर्बिटल्स वगैरह का, से समथिंग लाइक दैट, तो आपने प्रिंट आउट निकाल लिया तो ओके है, एक्सेप्टेबल है. बट मोर और लेस योर नोट्स शुड बी हैंड रिटन ओनली. यू शुड नॉट मेक दिस एज अ हैबिट दैट कि हाँ प्रिंट आउट मिल रहा है, निकाल लेते हैं और उसको पढ़ लेंगे बाद में. दैट्स अ शॉर्टकट थिंग विच इज गोइंग टू हार्म योर लर्निंग, हार्म योर अंडरस्टैंडिंग. देन थर्ड थिंग इज दैट आप लोगों ने फॉर्मूला शीट बनाई है कि नहीं बनाई है. Like you don't, you do you have a formula sheet of the chapter or not? जैसे मोल कंसेप्ट है, अब उसमें there are some important concepts that you learned, right? Some important formulas that came along. Yes, sir. तो उन सबको summarize आपने करा है कि नहीं करा है? That is something which is being asked in this question. Then the next question is actually asking, have you really made that formula sheet by yourself, or is it something that you have again used shortcut in life? कि कहीं से रेडीमेड उठा लिया, बिकॉज रेडीमेड अवेलेबल. मैं अभी गूगल पे डालूंगा मोल कंसेप्ट फॉर्मूला शीट तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा. बट आई डोंट वांट यू टू डू दैट. दैट इज नॉट समथिंग विच इज द आइडियल वे. फॉर्मूला शीट बनाने का मतलब ही यही होता है कि एक स्टूडेंट को दिमाग में एक मैप बन जाए कि मेरा चैप्टर क्या था, कैसा था. अंटिल अनलेस यू डू दैट पर्सनली, यू आर जस्ट यूजिंग लाइक रेडीमेड स्टफ, इट वोंट बी एज इफेक्टिव. ठीक है, आपको करना है आप करो, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट बाद में जाके आप ही को नुकसान होगा. ठीक है, तो एटलीस्ट जो सिंसियर है, जो मच्योर है, वो बच्चे रियलाइज कर ले
जिनको नहीं करना है वो अपनी मस्ती में जिए, बट यू हैव यू शुड मेक द फॉर्मूला शीट बाय योर सेल्फ. ठीक है, देन आफ्टर मेकिंग द फॉर्मूला शीट यू मस्ट ऑल्सो वैलिडेट हाउ वेल इज योर फॉर्मूला शीट, राइट. इफ यू हैव मेड द फॉर्मूला शीट एंड you think it is good enough, then that formula sheet should be able to answer at least 70% to 80% of the questions that have been asked from that chapter in JE mains in previous years, right. So maine bachcho ke sath mein ek zip file aur share kiya tha, I don't remember. Sir, ye mool concept ke liye hai na, periodic table ke liye nahi na. Ha, mool concept ke liye hai sir. Ye aapne kahan pe bheja hai? ये जेई मेंस का मैंने भेजा था लिंक. आप लोग किसी को अगर याद हो तो ग्रुप पे वापस रीसेंड कर देना ना, वो ड्राइव का एक लिंक था. यस सर. पीवाईक्यूज का ठीक है, सो एक बार वो नोटिस करना सर. तो उसमें हाँ sir, why only 70 or 80? We should aim for 100, right? That our formula sheet should be 100% able to answer the JE mains. Nay, sometimes see JE mains mein most of the times the questions do come formula based only. But aisa nahi hai ki JE mains mein har question hi formula based hota hai. Sometimes JE mains also asks tricky questions like advanced. Kabhi kabhi aa jata hai. तो अब वैसा क्वेश्चन आपको आपकी फॉर्मूला शीट से डायरेक्टली कनेक्ट होता हो मिले इज नॉट समथिंग व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस. ठीक है, सो इट्स सम ठीक है, इट इज गुड टू बी रैशनल बट देन अ लिटिल रीजनेबल भी रहना चाहिए, राइट. ओके सर. पॉसिबल सर, यू कैन सेंड द पीडीएफ आफ्टर द लेक्चर. व्हाट पीडीएफ सर? ये नोट्स का पीडीएफ सर जो आज करवाया ना, मतलब हां हां तो मैं भेजूंगा इसे ना सर. थोड़ा सर 1 आवर भी चलेगा सर, मतलब हाँ हाँ मैं भेज दूंगा. मेरे को पता है ना आप लोगों का कल ही क्लास है, तो आई विल सेंड इट अ लिटिल अर्लियर टुडे. ओके सर. ठीक है, एंड देन देयर इज दिस क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग यू इन टर्म्स ऑफ हाउ योर पेज बुकलेट का कंप्लीशन हैज बीन. ठीक है, इट इज आस्किंग यू टू ऑनेस्टली मार्क आपने कौन से सेक्शंस है जो अटेम्प्ट करे हैं, कंप्लीटली कर लिए हैं कि पार्शियली कर लिए हैं, आप इसमें हाईलाइट करके रखो सर. वो समझा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आफ्टर यू हैव लाइक डन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट, हैव यू शॉर्टलिस्टेड सम गुड क्वेश्चंस, लाइक आपको जिनमें डाउट आए वो डाउट आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं कि नहीं करे हैं, या कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कशन के टाइम पे मैंने बोला कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बाद में रिवीजन के लिए रखना, राइट. ऐसे एक चैप्टर में एटलीस्ट 50 to 70 क्वेश्चंस आपके शॉर्टलिस्ट हो जाने चाहिए. ठीक है, अराउंड 50 to 70 क्वेश्चंस शुड देन बिकम अ गुड सोर्स ऑफ रिविजन फॉर यू इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अ टेस्ट ऑफ दैट चैप्टर. ठीक है, सो that is also a habit which you need to develop while you are attempting these questions from the booklet, right. And then based upon whatever you have filled up, a final summary question is in terms of assessing what is your level with the chapter. Is it level 1, level 2 or level 3? Level 1 means that aapke paas proper notes hi nahi hai, like you did not attend classes properly, so you have like big gaps in terms of understanding of that chapter. Level 2 is something that you have attended the class regularly, you have made the notes, you have solved the booklet, but still lack confidence. You are not much confident, which is actually in most of the cases there, that thoda aur practice lagti hai. Level 3 is something where students along with the booklet would have solved DPPs, would have also solved some assignment questions that I have given them, would have solved some booklet also. So unka level thoda badh jata hai. Mature in terms of the problem solving and they would need more challenging questions. So of course your aim should be to reach level 3 only, right? But if you are at level 2, then what is it that you need to do to attain level 3? That is something which you'll have to work out. Okay, is this clear with you? Kya tha ye form? Yes sir. Sir, in level 3 we have to solve JK that
वीक है दैट सर वो कंप्लीटली नहीं दिख रहा है वो लेवल 3 वो जब आप करोगे तब दिखेगा अच्छा ओके मतलब ये अभी क्योंकि मैं ही क्रिएट किया हूं ना फॉर्म तो मुझे वो पूरा नहीं दिख रहा है आप जब एज अ यूजर लिखोगे तो आपको दिख जाएगा ठीक है सर इन लेवल 3 वी हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम अदर बुक्स आल्सो इट वाज रिटन यस सर सर एक्चुअली इन दैट बुक्स इन द पीडीएफ level 1 level 2 level 3 is there sir which one we have to solve sorry sir in that books mentioned sir level 1 level 2 level 3 aap level 2 par ho to you don't need to solve book ka easy questions no like for example narendra avasthi if you are doing to agar aap level 2 par ho aapne booklet acche se kari hai then you need not waste time on the easier sections in that book You should go for the advanced level questions. उसमें आप फिर attempt करो, उसमें doubts आएंगे, उनको discuss करो, make sure that your level increases. That is what the practice is for. Okay, sir. ठीक है? Sir. हाँ. अब इसमें एक और किसी ने question पूछा था regarding that ये जो PYQ से validate करना है, वो PACE की booklet से कर लें क्या? PACE की booklet में PYQ सारे के सारे नहीं दिए हुए हैं. Don't rely on that. Use that zip file. वो zip file किसी ने share किया क्या group पे दोबारा? No sir, you didn't share. Sir, which zip file? अरे sir आपने नहीं डाला group पे अब तक zip file. हाँ sir, zip file नहीं आया. हाँ sir, नहीं डाला आपने. ओरे, there is मैं डाल देता हूँ. Give me one minute. J main PYQ सर आप फोटो डाल दिया तुमने नहीं 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 दिस इज नॉट द जे मेन PYQ दीज आर द दोस क्वेश्चंस व्हिच आर देयर फॉर लेवल 1 स्टूडेंट्स जो बच्चे लेवल 1 पर हैं उन लोगों के लिए zip फाइल था दो डाले हैं मैंने एक जे मेन PYQ अप टिल 2020 पे और दूसरा वो अच्छा अच्छा दूसरा भी डाल दिया हां ठीक है तुम इसलिए उसकी वजह से अगर वो पीछे रह गया उनको बुकलेट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो उनको फिर ये प्रॉब्लम्स जो मैंने भेजी है जिप फाइल वाली वो करनी चाहिए Those are like एकदम बच्चू लेवल questions, level 1, level 2, एकदम easy, mains level से भी easy question. तो फिर वो question से भी confidence build करना. Sir, booklet and homework questions are not enough to become level 3. The homework to do. Just booklet के questions aren't going to be enough to become level 3. हाँ, अगर आप ये कर लेते हो कि आप booklet पूरी कर लेते हो, और फिर बुकलेट के क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट कर लेते हो और वो शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस लाइक आर समथिंग व्हिच यू हैव मेड प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ एंड देन इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि राजा मैं बुकलेट में से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछूं इस चैप्टर का तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे एंड इफ योर क्वेश्चन इज और आंसर इज लाइक कि सर हाँ आई एम कॉन्फिडेंट देन यू आर एट लेवल सो इफ यू आर एट दैट लेवल देन यू नीड नॉट रेफर टू अनदर बुक बिकॉज देन आपने बुकलेट बहुत अच्छे से लगा लिया सर इफ वी डिडंट सॉल्व एक-एक करके सर इफ वी डिडंट सॉल्व एफबीएस बट रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आर सॉल्व देन वी आर इन लेवल 2 और लेवल 3 सर यू हैव टू जज इट योरसेल्फ बेस्ड अपॉन हाउ योर कॉन्फिडेंस इन द चैप्टर इज देयर इज नो क्वांटिटेटिव स्कोरिंग मैकेनिज्म दैट आई हैव डन ओवर हियर कि यहाँ पर करा तो उसका स्कोरिंग कर लिया ठीक है दिस इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू जज फॉर योरसेल्फ एट व्हाट लेवल यू आर राइट नाउ एंड दिस इज अ फॉर्म दैट इज अपडेटेबल ऐसा नहीं है कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते आई हैव केप्ट द ऑप्शन आई थिंक इफ आई रिमेंबर सेटिंग्स में एडिट आफ्टर सबमिट क्लिक किया हुआ है मैंने तो आप बाद में एडिट भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आज लिख दिया तो फ्रोजन है आज से एक महीने बाद यू फेल्ट कि हाँ चलो ठीक है मोल कंसेप्ट में अब काफी प्रैक्टिस हो चुकी है कॉन्फिडेंस है तो यू कैन अपडेट दिस फॉर्म बट दिस इज समथिंग फॉर योर ओन बेनिफिट टू कीप अ लॉग इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर डूइंग ठीक है अगर ये बाकी फिजिक्स मैथ्स में नहीं हो रहा है तो खुद बना के अपना एक फॉर्म तैयार करके रख लो
make sure that you are updated in terms of your chapter level preparation. Is this clear? Yes, sir. It is for all chapters, sir. Like there are 44 PDFs in this. So means we have to do all or like which we have done, like mole concept, we have done atomic structure. मतलब कहाँ से इतना talent लेके आते हो यार? मतलब जो chapter करा है उसी का करोगे ना? जो chapter पढ़ा नहीं तो उसका कर लोगे क्या? No sir. तो फिर No sir, I was confused. That's why I saw so many things. ठीक है सर. एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी ऐसा है क्या गूगल फॉर्म? गार्गी उस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ. डोंट वरी अबाउट दैट अ लॉट. इट्स अ क्वेश्चन व्हिच आई एग्री दैट इज अ क्वेश्चन दैट बॉदर्स अ लॉट ऑफ टॉपर्स. ठीक है, मतलब ये जो तुमने पूछा है दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद दिस एंड ट्राइंग टू कम अप विद सम रैशनल आर्ग्यूमेंट. आपको नहीं मिलेगा. जस्ट रिमेंबर इट एंड आगे बढ़ते जाओ. ठीक है. हाँ, एनी अदर थिंग सर? ऐसा कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए भी है क्या ये गूगल फॉर्म? हाँ, पहले आप लोग ये भर लो, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में. ठीक है, चलो. ऑल राइट, आई थिंक थैंक यू सर. बाय सर. टेक केयर. बाय. थैंक यू सर. बाय सर.